नमस्कार, मैं हूं दिबांजलि मोइत्रा। आयरलैंड और साउथ अफ्रीका के बीच गुरुवार को टी20 सीरीज का दूसरा मैच खेला गया। इस दौरान टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने उतरी साउथ अफ्रीका की एक समय हालत इतनी पतली हो गई थी कि महज 58 रनों पर ही उसके 5 विकेट गिर गए थे। बावुमा, जानेमन मलान, मार्क रैम, डीकॉक, वांडर डुसेन जैसे बल्लेबाज पवेलियन लौट गए थे। सबको यही लगा कि अब तो साउथ अफ्रीका सस्ते में पवेलियन लौट जाएगी, लेकिन वो ये भूल गए थे कि मैदान पर अभी डेविड मिलर नाम का तूफान मौजूद है, जो अपना दिन आने पर दिग्गज से दिग्गज गेंदबाजों की धज्जियां उड़ा देता है। फिर सामने तो कमजोर मानी जाने वाली आयरलैंड थी। फिर क्या, अपना अर्धशतक पूरा करने के लिए 37 गेंदें खेलने वाले डेविड मिलर अगली 7 गेंदों पर ही 75 रन तक पहुंच गए। स्लॉग ओवर में गियर बदलने वाले डेविड मिलर के बाद जो साउथ अफ्रीका 19 ओवर खत्म होने तक महज 135 रन बना सकी थी, वो पारी समाप्त होने तक 159 पर पहुंच गए। और ये सब कुछ हुआ डेविड मिलर की धमाकेदार पारी के दम पर। आयरलैंड की ओर से पारी का 20वां ओवर फेंकने आए जोश लिटिल की गेंदों पर डेविड मिलर ने ताबड़तोड़ 4 तूफानी छक्के जड़ दिए और 2 गेंदें डॉट जाने के बावजूद 24 रन जुटा लिए, जिससे आयरलैंड को 160 रनों का टारगेट मिला। लेकिन पूरी की पूरी टीम 19.3 ओवर में महज 117 रनों पर सिमट गई और अफ्रीका 42 रनों से ये मैच जीतने के साथ ही 3 मैचों की टी20 सीरीज पर भी 2-0 से अजेय बढ़त बना ली। यानी अब आखिरी मैच महज औपचारिकता भर रह गई। सीरीज तो साउथ अफ्रीका जीत ही चुका। तूफानी मिलर ने बना दिया विश्व रिकॉर्ड। 5 छक्के और 4 चौके के दम पर 44 गेंदों में ताबड़तोड़ 75 रन जड़ने वाले डेविड मिलर ने इस धुआंधार पारी के साथ ही एक वर्ल्ड रिकॉर्ड भी बना दिया। वो अंतर्राष्ट्रीय टी20 मैचों के आखिरी ओवर में सबसे ज्यादा छक्के मारने वाले बल्लेबाज बन गए। मिलर 20वें ओवर में अब तक 15 छक्के लगा चुके हैं, जो कि एक वर्ल्ड रिकॉर्ड। मिलर ने टीम इंडिया के पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धोनी के रिकॉर्ड को तोड़ा, जिन्होंने 20वें ओवर में 12 छक्के लगाए थे। उनके अलावा जिम्बाब्वे के एल्टन चिंगुबुरा के नाम भी 12 छक्के, जबकि एंजेलो मैथ्यूज और डेरन सैमी ने 20वें ओवर में 11-11 छक्के लगाने का कारनामा किया। साथ ही ये तीसरा मौका है जब डेविड मिलर ने आखिरी ओवर में 24 या उससे ज्यादा रन बनाए। वो 2017 में बांग्लादेश और 2019 में पाकिस्तान के खिलाफ भी ये कारनामा कर चुके हैं।